सेबी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर 10 में से 9 लोग अपना नुकसान करते हैं, मतलब 100 में से 90 लोग नुकसान कर रहे हैं पर 10 लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, किसी की जेब से पैसा निकलेगा तो किसी की जेब में जाएगा, मतलब 90 लोगों की अगर जेब से पैसा निकल रहा है तो 10 लोगों की जेब में जा रहा है, और उन 10 में से 7 लोग क्या करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। इस स्ट्रैटेजी को जब हम डिकोड करेंगे ना, आपको समझ आएगा कि कितनी शानदार स्ट्रैटेजी है जिससे आपका लगातार पैसा बनेगा। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी की, अगर आप डेल्टा को न्यूट्रल रखें तो आप लगातार स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं। पेशेंस का गेम है, पर अगर आपने स्ट्रैटेजी समझ ली तो आपके पास अच्छा छोटा कैपिटल हो या बहुत बड़ा कैपिटल हो, आप डेल्टा न्यूट्रल से लगातार पैसा बनाएंगे। और हमने बताया भी था आपको लास्ट वीडियो में कि अगर आप आज गुजरात में देखेंगे, गुजरात में आपको पता है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट की तरफ इंक्लाइंड है और जिनके पास बड़ा कैपिटल है वो भी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो आइए आज इस डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रियांश उपाध्याय। शुरू करते हैं रियांश, एंड आज लोगों को बहुत मजा आने वाला है स्ट्रैटेजी के अंदर। अभी आपने बताया कि डेल्टा न्यूट्रल करके हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, पर उसका जो मेन गेम है ना, मेन फंडा जो बिहाइंड जो लॉजिक हम गुजरातियों को जानते हैं उनके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के लिए, बट वो रिस्क ऐसे नहीं लेते कि अंधा रिस्क उन्होंने करोड़ ऐसे फंसा दिए, वो ना रिस्क को मैनेज करके चलते हैं कि मैं रिस्क लूंगा लेकिन मेरे रिस्क लेने की ये है स्टाइल है, ये लिमिट है और इसमें अगर मुझे माल मिला तो चलेगा। तो वो जो हम रिस्क है वो भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने रिस्क को कंट्रोल करते हो तो इसके रिटर्न बहुत अच्छे हो सकते हैं। देन हम उनके भी थोड़ा एक लेवल आगे जाएंगे, हमें उस रिस्क को और कम करना है। अगर हम बिल्कुल नए से सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं और हमने मान लो 1-2 लाख कैपिटल इकट्ठा किया, हम नहीं चाहते कि हम उस कैपिटल को गंवाएं, तो हम उसमें भी कंट्रोल करेंगे और लास्ट में हम ऐसे एडजस्टमेंट डालेंगे जिससे हमारा लॉस आई थिंक अगर लाख हो रहा था तो वो 10,000 रुपये आ जाएगा। और आई होप ये सब सबको सीखने को मिलेगा आराम से, तो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना और आपको पैसे जरूर बनेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। डेल्टा न्यूट्रल में हम सबसे जो बेसिक है ना वो है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल मैं बिल्कुल समझा देता हूँ, स्ट्रैंगल का मतलब होता है जहाँ पे हम कॉल और पुट दोनों बेचते हैं, मतलब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ना रेंज बाउंड रहेगा, ये हमारा व्यू है। एक्चुअली ये व्यू लेके हमेशा चलता है बंदा, जो मतलब बिल्कुल हार्ड कॉर डेल्टा न्यूट्रल होता है ना, वो ये चार्ट मार्केट प्राइस वो कुछ अभी के लिए हमने एक बात करी है, इसे बड़े ध्यान से समझिए। देखो अभी आपने ऑप्शंस के अंदर ग्रीक्स के में समझा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड थीटा। थीटा मतलब टाइम के साथ साथ प्रीमियम खत्म होते हैं और सबसे जल्दी प्रीमियम खत्म होते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के। करेक्ट। सो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को अगर आप बेच के चल रहे हो, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कॉल को भी बेच दिया पुट को भी बेच दिया, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगी और वो रेंज अभी आपको यहाँ पे बताएंगे कि हाँ, कैसे आपको निकालनी है। यस, कंटिन्यू। तो हमने सबसे बिगिनिंग में पढ़ा था कि चार्ट को सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना जी। तो हम सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे अभी ड्रॉ कर लेंगे, विद इन 2 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा ना, रेजिस्टेंस में हम कॉल बेचेंगे और सपोर्ट पे हम पुट बेचेंगे। राइट। देन हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। एट द एंड हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 टाइप 3 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है जो 2% में खुश है, एक होता है 3 में और एक होता है 4 वाला। जो डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर है ना वो बड़े पैसे से 2% में खुश है, वो नहीं जाते 5% मंथली के लिए, क्योंकि 5% मंथली एक बहुत ह्यूज रिटर्न होता है। उन्हें चाहिए कि मैं पैसा लगाऊंगा बहुत बड़ा लेकिन मुझे 2% मिले सेफली मैं अंदर, उसके बाद फिर वो अगले दिन शुरू करेंगे वो उसको रिपीट करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कभी भी आप एब्सोल्यूट रिटर्न पे नहीं जाओगे। आपके पास अगर 3 लाख है तो उसका 2% मतलब 6,000 रुपए, आप उसको एब्सोल्यूट में मत देखो, आप 2% के हिसाब से देखो। हम भी यहाँ पे जब बैक टेस्ट करेंगे उसको हम देखेंगे नहीं कि वो 1500 रुपए रिटर्न दे रहे हैं, हम देखेंगे कि हमने जो लगाया उस पे परसेंट कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप परसेंट वाइज सोचना शुरू करो। आज आपको लग रहा है यार 1 लाख पे 2% के हिसाब से 2,000 रुपए तो बना, ये 2,000 रुपए क्या ही है, अगर मैं सिंपली बाइंग कर लूंगा तो 1 लाख से मैं 50,000 बना लूंगा। बट सर आप सोचिए, आप 50,000 बना लेंगे तो आप 25,000 या 50,000 गवा भी तो सकते हैं। पर यहां पे हम जो बात कर रहे हैं ये लगातार पैसा बनाने की, किसी दिन आपके पास 1 करोड़ का भी कैपिटल होगा, 2 करोड़ का भी कैपिटल होगा। आप अगर यहां पे सिर्फ 2-4 दिन के लिए आए हो तो फिर ट्रेडिंग सीख के कोई फायदा नहीं है जी। आप बड़े लंबे गेम में खेलो तो ये हर बिजनेस को आउट परफॉर्म कर सकता है। एब्सोल्युटली, ये मैं एग्री करता हूं। देखिए आज की रेट में मैं अपना भी आपको एक व्यू बता रहा हूं, मेरा भी व्यू ये है कि अगर आज मैंने मार्केट में 2 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किया है तो 2 करोड़ से मुझे ये नहीं है कि मुझे 20 लाख रुपए इमीडिएटली आ जाए। अगर मुझे 4 लाख रुपए बनता है, आप हो गया 4 लाख तो बहुत अच्छा होता है, ये लोग कहेंगे 4 लाख रुपए बढ़िया बन रहा है, बट आप परसेंटेज देखो ना, परसेंटेज तो सेम है। Correct. जो आपका लाख पे 2,000 बन रहा है, मेरा 2 करोड़ पे 4 लाख रुपए बन रहा है, इट इज सेम। सो वी आर थिंकिंग ऑन परसेंटेज बेसिस। अब किसी के पास मार्केट में 100 करोड़ भी है, 1,000 करोड़ भी है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, इसे समझ लो लगातार पैसा बन रहा है। कंटिन्यू। यस, चलिए
तो यहाँ पे सिंपली आप चार्ट में देखोगे, हम इस चार्ट को ना थोड़ा सा मंथली वाइज डिवाइड कर देंगे। मंथली वाइज डिवाइड मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमें जो अभी मई स्टार्ट हुई वो हमारे पास है ही नहीं, हम जस्ट यहाँ पे जहाँ से अप्रैल स्टार्ट हुआ था, हम अप्रैल का ये जो मंथ है ना सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम होती है डेल्टा न्यूट्रल वालों को, ट्रेंडी मार्केट में। राइट, मतलब अगर मार्केट ट्रेंडी होगी ना और मार्केट में 4-5% का मूव आ गया तो उस जगह में उन्हें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मार्केट एक तरफ को भाग रहा है, उनका जो कॉल है वो इन द मनी में आ सकता है, एट द मनी में आ सकता है, और उन्होंने बहुत छोटे प्रीमियम पे बेचा, उन्होंने आउट ऑफ द मनी दूर से बेचा है। तो क्या होता है कि उन्होंने मान लो 50 रुपये का बेचा, 50 का पुट 50 का कॉल, लेकिन अगर मार्केट 5% ऊपर गया ना तो 50 का जो कॉल है वो 500 भी जा सकता है। तो हमें उसी चीज को हैंडल करना है, और हम सबसे जो गलत पॉइंट है ना उसी को यहाँ पे करके। और मैं बस एक ही चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, कई सारे लोग अभी यहाँ पे ये समझ रहे होंगे जैसे हमने स्ट्रैंगल बोला तो आपको लगा होगा डेल्टा न्यूट्रल के लिए स्ट्रैंगल ही करना है। मैं आपको रोक रहा हूँ, ऐसा नहीं है, हम आपको स्टार्टिंग से समझा रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, आपको क्या करना है वो आपको आगे पता लगेगा, सो हम उसे और बेटर करेंगे। ये बेसिक स्ट्रेटजी बिल्कुल, इसको हम लास्ट में चेंज करने वाले हैं कि हम इसमें और कैसे लॉस बचा लें और कैसे बड़ा प्रॉफिट कर लें। हमें ना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:8:10 रखना है, जिससे अगर हम खोए ना तो एक जाए, जब भी मिले तो 10 आए। राइट, सिंपल। ओके, तो हम जो एग्जांपल होगा वो हम सबसे गंदा सिनेरियो लेंगे जहां पे इसमें लॉस हो ही सकता है, और हम ये देखेंगे कि अब उसमें कैसे बचाया, और दूसरा एग्जांपल लेंगे जहां पे पैसा बन सकता है। हम दोनों को कंपेयर करेंगे, हमने कितना खोया कितना कमाया, इससे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे हम देखते हैं कि जैसे ही अप्रैल स्टार्ट हुआ था, हम बिगनिंग ऑफ द मंथ ले रहे हैं, जैसे ही अप्रैल स्टार्ट हुआ था ना मार्केट में एक ब्रेकआउट स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद मार्केट रुकी ही नहीं। तो हम ये जज करते हैं कि हमारे पास ना इस जगह तक का चार्ट है ही नहीं, ये जगह तक का हमारा चार्ट है ही नहीं जहाँ से अप्रैल का एक्सपायरी स्टार्ट हुई, हमारे पास सिर्फ इतना चार्ट है। अब हमें इसको एनालाइज करना है, तो मैं इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ नॉर्मल। ये हमारा साफ साफ रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है इस जगह पे, ये बिल्कुल रिपीट वर्जन है, जो सबसे पहला वीडियो था उसमें ये बताया गया था, आप उसको एक बार वापस से देख सकते हो अगर नहीं समझ आ रहा। ये हमारा रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट गिरी, ठीक है। इस वक्त अगर जो सपोर्ट है वो इस एरिया में, ये रहा बिल्कुल यहाँ पे, राइट, ठीक है। अगर मार्केट देखे रेजिस्टेंस के बहुत पास है तो अगला जो वहां पे रेजिस्टेंस है अपना वो ये एरिया रहा, राइट। हम डेल्टा न्यूट्रल कर रहे हैं और बड़े पैसे से कर रहे हैं, तो हम अपना सेफेस्ट ढूंढेंगे, जो मतलब सबसे दूर का डेल्टा हो, हमें बिल्कुल डर ना लग रहा हो। अब हम देखते हैं इन तीनों स्ट्राइक्स के आसपास मैचिंग स्ट्राइक्स कौन सी और क्या प्रीमियम मिल रहा है हमें। पहले स्ट्राइक यहाँ पे मैं लाइन खींच दूँ 42,800 के आसपास है, मिड के स्ट्राइक है 41,800 और जो सपोर्ट एरिया है दैट इज 39,300 अराउंड, ठीक है। अब अपने उस पर चल लेते हैं ऑब्स्ट्रा पे, जहाँ पे ये सब कुछ होने वाला है यहीं पे आप सब कुछ सीखने वाले हो। तो ये रहा ऑप्शन सिमुलेटर। ऑप्शन सिमुलेटर का मतलब ये है कि आप बैक में जाके डेटा को एनालाइज कर सकते हो कि अगर मैंने ये ट्रेड डाली होती और मैंने जो एडजस्टमेंट माइंड में अपने रखी है उन्हें मैं अप्लाई करता तो क्या रिजल्ट आता, उसके लिए एक अच्छा टूल है, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अब हमने ये क्या खोल रखा है, बैंक निफ्टी। तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लेंगे, बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया हमने। हम किस तारीख पर, अभी 31 मार्च चल रहा है, मतलब हम अप्रैल में स्ट्रेटजी डालने वाले हैं, करेक्ट। तो हम अप्रैल की एक्सपायरी लेंगे, हमने अप्रैल एंड की लास्ट वाली बिल्कुल। हम ट्रेड की स्टार्टिंग अब कर रहे हैं, इस जो लास्ट एक्सपायरी होती है ना उसके 2 दिन बाद से हमेशा, जैसे मार्च की एक्सपायरी मान लो 25 मार्च को खत्म हुई है तो आप 27 मार्च के बाद ही ट्रेड डालना, क्योंकि उसके बाद 1-2 दिन ना कभी कभी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, और मैं नहीं चाहता कि हम ट्रेड डालें और ट्रेड बिगनिंग में ही खराब हो जाए। तो इसीलिए लोगों को डिसाइड करने दो कि अगली सीरीज कैसी होगी, वो बुलिश है बेरिश है, आप जस्ट एक टाइम दो उसके बाद स्टार्ट करो। तो इसीलिए जैसे हमारी मार्च की यहाँ पे खत्म हुई 29 तारीख को, तो हम ये 2 दिन छोड़ रहे हैं, अप्रैल का जो फर्स्ट डे होगा वहां से स्टार्ट करेंगे, सैटरडे संडे फर्स्ट एंड सेकंड को, मंडे को थर्ड से स्टार्ट है, ठीक है। थर्ड को हमारी ट्रेड डलेगी और जो एंड होगा वो मंथली एक्सपायरी की लास्ट तारीख को, ठीक है। अब सबसे मेन क्वेश्चन, ट्रेड को डिप्लॉय कब कर रहे हैं। आप एक डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड डाल रहे हो, मतलब आप शांति वाली ट्रेड डालो जिसमें आपको कोई फ्लक्चुएशन कुछ नहीं चाहिए, तो आप उस टाइम पे डालो जब वॉल्यूम कम होती है मार्केट में। मॉर्निंग में वॉल्यूम ज़्यादा होती है, स्कैल्पर्स होते हैं, न्यू पोजीशन बनाने वाले होते हैं, ठीक है। फिर 11 बजते हैं, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मार्केट में वॉल्यूम लो होती है, लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सौदे नहीं कर रहे होते, फिर एंड में आकर सौदे बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको 11 से 1:50, 1:30 के बीच में ये ट्रेड को डालना है, और कोई भी टाइम आप चुन सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसकी टाइमिंग को बढ़ा के कर देते हैं 12 बजे टाउन फिगर, ठीक है। अब हम ऑप्शन चैनल पर चलते हैं, चले हम प्रीमियम्स देखते हैं क्या है। तो पहले हम सपोर्ट बेचते हैं, सपोर्ट है 39,300 पे।
तो हम हमारा जो 39,300 जो बेस है सपोर्ट उसको बेच देते हैं, ये हमारा 180 रुपीज के आसपास है। यहाँ पे ना हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे कि बिल्कुल सेफ जा रहे हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम खेल रहे हैं। मैं नहीं चाहता आप अंधा खेलो, अंधा मतलब आप आए और 60-60 का बेच दिया, आप देखो चार्ट में क्या चल रहा है। अगर चार्ट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है तो टेक्निकल भी यूज करो ना, आपने पढ़ाई क्यों की, वो जो हमने बेस का क्लास बनाई थी पूरी की पूरी, जो हम इतने वीडियो बनाए हमने, उसको देखने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे। तो हम यहाँ पे बेच रहे हैं 36 लॉट बेसिकली। मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि वही अपना फ्रीज अमाउंट है, मतलब उतनी ही क्वांटिटी आप एक बार में लॉट साइज में डाल सकते हो, दैट इज 900 क्वांटिटी अप्रॉक्स। तो ये रहा 36 लॉट्स। किसी को कम मार्जिन है किसी के पास, तो उस हिसाब से इसको अपने मल्टीप्लिकेशन में बेच सकता है। ये हमने सेल मारा, अब नीचे का सपोर्ट आ गया, ऊपर का रेजिस्टेंस एक बार डेल्टा दिखाइए वहीं पे, वो इंपॉर्टेंट है। कई लोग ये भी जज करते हैं कि 18 का मतलब ये है कि मार्केट के एट द मनी में आने के, इस स्ट्राइक के एट द मनी आने के चांसेस 18% है, बट लॉजिकली ये करेक्ट नहीं है, बट हाँ आप ये बोल सकते हो। ठीक है, ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस देखें, जो पहला है दैट इज 41,700 रुपीज। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप एकदम से डेल्टा देखोगे तो डेल्टा 30 का है। ये स्ट्राइक हम लेंगे, हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हमें डेल्टा न्यूट्रल चलना है, तो हम वो स्ट्राइक लेंगे जो अब हमारे नीचे वाले सपोर्ट से मैचिंग करे, क्योंकि हमारे पास ऊपर दो रेजिस्टेंस है, तो हम उनका मिड पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हमें डेल्टा न्यूट्रल का मतलब ये जैसे 18 था, मैंने इसलिए वहां पे पॉइंट आउट कराया कि 18 है, तो 18 के आसपास का ही है, 18 के आसपास का। तो हमारे पास अगर डेल्टा में ऊपर की तरफ गए तो 18 का ये रहा, 20 का ये रहा। मैं यहाँ पे 20 वाला चुन रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमने वहां पे 183 बेचा है, यहाँ पे अगर हम 136 रुपए बेच देंगे तो ये मार्केट नीचे की तरफ आई तो हमें उल्टा पड़ेगा, तो हम 155 रुपए के आसपास बेच रहे हैं, जिससे 20 डेल्टा 18 डेल्टा ऑलमोस्ट मैच हो गया। ये हमने सेल किए, अब हम लास्ट वीडियो के जैसे जा रहे हैं, कहां पे अभी हमने जो बेचा है कॉल साइड का वो है 42,100। एक बार उस पे आइए रेजिस्टेंस पे, ये रहा हमने बेचा है, ये सेंटर एकदम, सो सेंटर से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, मतलब उससे रेजिस्टेंस है हल्का सा ऊपर ले लिया अपने बफर, हाँ, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा ऊपर लिया, जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसको जरा सा नीचे, इस एरिया में अब हमारी ट्रेड बन चुकी है। ठीक है, अब हम चलते हैं, पहले पे ऑफ ऐसा दिखेगा, इसका पे ऑफ ऐसा दिखेगा, हम पहले देखते हैं कि कितना क्या रिटर्न मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में हमने लगभग 3 लाख रुपए का मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है, इसका जो अप्रॉक्स मार्जिन लगेगा उसके बिहाफ पे ये 3 लाख रुपए ना ऑलमोस्ट 9% के आसपास है। आप जाके अभी मार्जिन चेक कर सकते हो, ऑप्शन में मार्जिन दिखाता नहीं है, बट ऑलमोस्ट 9% है, एक महीने में 9%। अगर आप सही हुए ना तो मैं इसको 2.5 से 3% में बुक कर लूंगा, आई विल नॉट वेट फॉर 9%। क्या बात, मार्केट की वॉलिटिलिटी आपको चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना एक फिक्स लेके चलूंगा कि मुझे 2.5 से 3% मिला, मेरा महीने का काम खत्म, क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता हूँ। मैं इसके लिए नहीं कर रहा कि मैं 2 लाख से करता रहूंगा जिंदगी भर, मैं ट्रेडिंग करने आया हूँ, मैं 2 के 20, 20 के 2 करोड़, 2 के 20 करोड़ बनाना चाहता हूँ। तो बेसिकली इन्होंने जो बात बोली, मैं इसमें बस एक आपको बताना चाहूंगा, ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि यार 3 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, बट मुझे 3 लाख का प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। करेक्ट, जैसे मैं 50% पे रहता हूँ, आपने 25% बोल दिया, तो मैं 25% की जगह मैं सोचता हूँ 50% तक मिल जाए, बट इट इज योर रिस्क एपेटाइट। मैं इसको बीच में क्लोज बिल्कुल नहीं करूंगा यहाँ पे दिखाने के लिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो देखो कि क्या हो सकता है। आप देखना इसमें ये प्रॉफिट मिड में दे भी देगा 3-4%, वहां पे जो चाहता है वो बुक कर ले, मैं लेकिन लास्ट तक दिखाऊंगा कि आप इसको एंड तक कैसे लेके जाते हो, क्योंकि जो हमारी मार्केट है ना ये इस ट्रेड में पक्का लॉस देगी, क्योंकि मार्केट हमारी हमें पता था कि मार्केट ऊपर गई है, तो हम जानबूझ के उसको यहाँ पे बना रहे हैं जिससे ये खराब हो। बट हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप अगर इस अमाउंट का हाफ भी बना लेते हो, या इनफैक्ट आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग 25% भी बना लेते हो, तो यू बुक इट एंड देन टेक अ न्यू ट्रेड, टेक अ न्यू ट्रेड। आप बस मतलब आपके लिए आपको रिपीट साइकिल में इसको चलाते रहना, साल दो साल जितने साल चला, लोग इसको 10 सालों से कर रहे हैं और उन्होंने बहुत पैसा बनाया है, तो हम कभी भी मैक्स प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेंगे। एक बार ग्रीक्स दिखा दो, डेल्टा न्यूट्रल समझ नहीं, अब ग्रीक्स में ही चलेगा सब कुछ। अब हम यहाँ पे ग्रीक्स देख लेते हैं, आप यहाँ पे डेल्टा देख रहे हो 87 दिखा रहा है। अब हमने एक 18 वाला बेचा था और हमने इधर एक 20 वाला बेचा था, मतलब 2 डेल्टा का गैप था। आप सिंपल समझ लो 36 के लॉट है आपके पास, 2 पॉइंट समथिंग का इंटू करोगे 87 के आसपास आएगा, वो एग्जैक्ट वही दिखा रहा है, बिल्कुल डेल्टा न्यूट्रल है, अभी इसमें कुछ भी नहीं। तो हमने आपको ये भी बताया था कि 15 तक का भी अगर डेल्टा का डिफरेंस आ जाए तो भी आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मली आप सिंपल इतना समझ लो इसमें अभी 2 का गैप है, अगर 15 का गैप आ जाए, 15 का गैप मतलब आप 36 में 15 का इंटू कर लो, अगर वो यहाँ पे माइनस प्लस में आपको दिख रहा है तो समझना इस ट्रेड को अब एडजस्ट करने की बारी आ गई। बट मैं इससे भी सिंपल बताऊंगा आपको, उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे पीएनएल पे आते हैं, प्राइस देखो 180-155 है, आपको बस इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों का प्लस क्या आएगा, 180 प्लस 155
335 है, हमें जस्ट इसके 40% के चेंज पे एडजस्ट कर देना है। मतलब अगर इन दोनों के बीच में 40% का गैप आ गया, 40% मतलब ओके, तो यहाँ पे अराउंड 134 के आसपास आ जाएगा। इस 134 का क्या मायने है हमारे पास? 134 मतलब ये वो एरिया है, अगर इतना प्राइस का गैप आ गया दोनों स्ट्राइक के बीच में, हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट क्या होगा? डेल्टा न्यूट्रल, हम दोनों को वापस से मिला देंगे और डेल्टा न्यूट्रल कर देंगे। राइट, दो तरीके होते हैं डेल्टा न्यूट्रल करने के। अगर आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, आप प्राइस मैच कर दो, ठीक है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, वो भी डेल्टा न्यूट्रल ही आएगा। अब इसमें अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। दूसरा है, आप जाके सेम डेल्टा बेच दो, अगर आपको जाके ऑप्शन चेंज नहीं देखनी है तो सेम प्राइस का बेच दो, मतलब दोनों चलेगा, दोनों में डेल्टा न्यूट्रल ही होता है। चलो अब इसको हम ना धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, अभी आपको समझ आएगा, हो सकता है आपको एक बार में ना समझ आ रहा हो, चलेगा, नोट्स बनाओ, वीडियो को कई बार देखो, जो बोल रहे हैं यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि अब यहां से हम थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पर जाते रहेंगे। अब हम इस चीज को बहुत बार रिपीट करेंगे तो बहुत लंबी चलेगी, आप इसको दो बार देखो, बट ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक एक दिन आगे बढ़ाते हैं, एक एक दिन भी नहीं, थोड़ा हाफ एन आवर करके, जिससे हमें पता रहे। हमें बस ध्यान रखना है 134 रुपए का गैप इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। राइट, करंट प्राइस 173 162 बिल्कुल मैच चल रहा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप ये याद रखना कि आपको कितने पैसे यहाँ पे चाहिए। ये बस थोड़ा सा ऊपर करिए इसे, यहाँ पे नीचे आता रहता है पीएनएल। हाँ, ये आ रहा है 11,000 रुपए हो गया, यहाँ पे भी आता है। हाँ, यहाँ पे भी आता है, वहां पे भी वो लोगों को ग्रीन कलर में दिखता है ना, ग्रीन और रेड में 5,000। या आप आधा आधा घंटा आगे बढ़ा रहे हो, आधा है क्योंकि वनडे बढ़ाऊंगा ना, तो एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। दिन भर में क्या मूव हुआ ये, चलो अगले दिन पे आ ही चुके हैं वैसे। हाँ, वो आधे घंटे में क्रॉस। ये बहुत स्मूथ चलेगा, आपको कुछ इसमें खास इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केट जैसे जैसे आगे जाती जाएगी आपको टफनेस बढ़ती जाएगी और हमें उसी को सॉल्व करना है। Right. और लास्ट में हम जो ट्रिक बताने वाले हैं ना, उससे लॉस कितना ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है वो देखना है, क्योंकि ये ट्रेड तो खराब होनी होनी है, पर मैं आपको दिखाऊंगा ये एक बार आपको ये दे के जाएगी जरूर प्रॉफिट। Right. Right. आपको निकलने का मौका जरूर मिलता है बीच में। ये प्लेटफॉर्म्स क्या है ना, बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनको डेटा बहुत खींचना पड़ता है पीछे, तो कभी कभी स्लो होते हैं, पर हम आधे घंटे से ज्यादा तेज नहीं जा सकते, अदरवाइज क्या होगा कि कोई डेटा मिस हो जाएगा। हमें चेंज बराबर दिखाना है, ऐसा नहीं कि हम सही जगह पे जाके दिखा दें फिर ये होगा कि अरे हमने तो सिर्फ प्रॉफिट दिखाया। मैं चाहता हूं बिल्कुल क्लीन दिखे सब कुछ। आपको 1% तो एक्चुअली मार्जिन का भी आ रहा है, 1% तो आ ही गया, 1% आपको मार्जिन का भी आ रहा है अराउंड, अभी आपके 1.5% हो गए। जब तक 134 का गैप नहीं आ जाएगा तब तक हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट 120 के आसपास का गैप है, अभी भी कुछ नहीं, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पे ही करेंगे। जब तक 134 का गैप नहीं आ जाता हम चेंज नहीं लाएंगे। बहुत ही बोरिंग काम है वैसे ये। हाँ। हम होमवर्क देंगे सबको, बट अभी आप देखिए 70-72,000 प्रॉफिट पे पहुंच चुके हो, ऑलमोस्ट 2% होने वाले। मतलब कोई गुजराती की बात करोगे तो यहाँ बुक कर चुका है वो, 81,000 2% आपके आराम से आ चुके हैं, आपने कुछ भी नहीं किया एक्चुअली, और आपके सिर्फ दो दिन हुए। इमेजिन 2 से 3 दिन में आपके 2% बन रहे हैं। राइट, आपको बस सही जगह जज करनी है। 10 तारीख आ गई और 1,00,000 का प्रॉफिट, 1,00,000 का प्रॉफिट है 10 तारीख आ गई, मतलब हो गए गिनती के 6वां दिन चल रहा है ये लो। अब आपके हो गए 3%। अब बस मुझे ये जानना है कि 3% अगर आप महीने के खुश नहीं हो तो आप बड़े पैसे से ट्रेडिंग नहीं कर पाओ, क्योंकि बड़ा पैसे में आपको रिस्क कम करना है। तो क्या होता है ना, अगर आपको बड़ा बनना है तो सबसे पहला स्टेप होता है छोटे पैसे में बड़ा रिस्क लेना। जब छोटे पैसे में बड़ा रिस्क लोगे तो आप कुछ बन जाओगे, लेकिन जब आप बड़े पैसे में कम रिस्क लोगे ना तब आप वहां पे टिके रहोगे उस प्लेस पे। तो वही काम है यहाँ पे, जब आप बिगिनर हो थोड़ा थोड़ा रिस्क ले सकते हो, आप थोड़ी महंगी चीजें भी बेच सकते हो, लेकिन जब आप धीरे धीरे कमाने लगे और आपको लगे आपका कैपिटल बड़ा हो गया तो आप अपने जो एक्सपेक्टेशन है उसको लो लाओ। जैसे आप, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने एक टाइम पे चैलेंज लिया था, उसमें मैंने ट्रेड करके दिखाया यूट्यूब पे सबको लाइव कि कैसे क्या हो रहा है, उसमें हमने बहुत पैसा कमाया। वो तब की बात है लगभग 2-2.5 साल पहले की, जब मैंने शायद वो 8-10 लाख से दिखाया था, तब वहाँ पे ना इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, आपकी साइकोलॉजी इतनी हिट ही नहीं करती क्योंकि MTM बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन अब इस वक्त क्या होता है, जब मैं 7-8 करोड़ से ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पे MTM बहुत लंबा चला जाता है, उसको कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर यहाँ पे भी वैसी छूट दे दूँ कि 4% का लॉस इज एक्सेप्टेड, नो, 4% कमाने में मेरे 2 महीने चले जाएंगे, मेरे 3 महीने बर्बाद और प्रॉफिट मिला भी नहीं। तो जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाए तो आप ट्राई करो 2-3%, एक्सपेक्टेशन को लोएस्ट पे रखो, जिससे आप अगर ज्यादा भी मिलेगा तो खुशी मिलेगी ना, कौन सा क्या जा रहा है। तो इस वक्त 3% आराम से मिल रहे हैं आपको,
ये यहाँ पे ट्रेड बुकिंग का टाइम है एक्चुअली, पर हम कंटिन्यू रखते हैं जिससे दिखा सकें कि खराब कैसे होता है ये। कई बार लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे मिल तो सारा रहा था बट मैं बुक नहीं कर पाया, ये वो पॉइंट है। जब आप लालच ज्यादा करते हो ना तो इस जगह पे ऐसा होता है, आराम से 4% हो जाएंगे अभी। बस अब मार्केट भागने वाला है, लॉस दिखना स्टार्ट होगा। अभी भी अगर आप देखो तो बिल्कुल प्राइस ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है, 3.8% मिल रहा है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे एकदम से गैप बढ़ गया थोड़ा सा, एकदम से गैप बढ़ा मतलब गैप अप हुआ होगा या मार्केट में कुछ बड़ा स्विंग आया होगा। अभी आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट नियर टू 100 points का गैप है, राइट। अब मेरे हिसाब से अभी भी 100 ही है, 134 का गैप अभी तक नहीं आया, मतलब मार्केट ज्यादा मूव नहीं की। अब आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 130 points का गैप हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट करना है। अब आप देखो, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो आप एडजस्टमेंट करो या प्रॉफिट बुकिंग कर लो। कर लो, देखो कि 97 मिल रहे हैं, मतलब आपको 2.5% मिल रहा है ऑलमोस्ट, और ये आपका पहला एडजस्टमेंट है। आप यहाँ पे आराम से बुक करो, नई स्ट्रेटजी बनाओ, वापस से मार्केट ऊपर हो गई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको एक लेग जो आपका है वो आपको ऑलमोस्ट 1,12,000 दे रहा है, दूसरा लेग आपसे सिर्फ 14,000 रुपए ले रहा है। इसमें अभी तक कोई ब्रोकरेज भी नहीं लगी होगी क्योंकि आपने कुछ चेंज ही नहीं किया, 20 और 20 40 रुपए का ब्रोकरेज लगाया और आपको 97,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये बुकिंग पॉइंट है मेरे लिए और जो बहुत अच्छे से इसको ट्रेड कर रहा है, पर हम बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं जैसे मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल नया हूं। अब हम यहां पे इसको करेंगे एडजस्ट। एडजस्ट करने के लिए जो सबसे सिंपल पॉइंट मैंने बताया, आप सीधे प्राइस मैच कर दो, कोई इतना मेहनत ही मत करो। डेल्टा वाइज भी देखते हैं क्या होता है। तो हम पहले 55 रुपए बुक करेंगे, ये हमने ये प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट प्राइस डाला 55। इसके बाद फिर से ऑप्शन चेन में जाएंगे, राइट। हमें क्या ढूंढना है, 172 रुपीज, या फिर इसको कैलकुलेट करना डिवाइड 36 के आसपास 172 रुपीज। क्या चाहिए, पुट या कॉल? पुट चाहिए हमें 170। देखो एग्जैक्ट रुपीज हमें मिल गया, ये रहा 177 सेल, राइट। अब हमारा नया ट्रेड बन गया होगा, राइट। और इसमें प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ गया होगा। आप यहाँ पे ऑफ पे देखोगे, जो प्रॉफिट पहले 3 लाख था अब वो 4.13 है, राइट। मतलब ये ऑलमोस्ट 11% होने वाले हैं। वापस से पेन में चलते हैं, फिर से वही सेम प्रोसेस, अब इसका कैलकुलेट करना है हमें। ओके, तो अभी हम इनको ऐड करते हैं वापस से, ये अराउंड आएगा 346 रुपीज़। इसका अगर हम 40% निकालेंगे 138 रुपीज़ के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट सेम जो हमने बिगनिंग में लिया था। इसका मतलब ये ट्रेड अभी बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, हम बिल्कुल सेफ चल रहे हैं। अब हमें वापस से सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 138 रुपीज़ का गैप दोनों के बीच में फिर से ना आए, और हम फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने 1,00,000 रुपए ऑलरेडी बुक कर लिए हैं, अब हम यहाँ से जीरो से फिर स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यू। क्योंकि कई बार क्या होता है ना इस ट्रेड में, यही अच्छी खास बात है कि आप इसमें प्रॉफिट बुक करते चले जाते हो। आप देखोगे जब लास्ट एडजस्टमेंट के बाद भी 8 legs आपके ऐसे होंगे जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट बुक होगा, लास्ट के जो 2 legs होते हैं उनमें लॉस वगैरह होता है और आपकी ट्रेड क्लोज। आगे बढ़ते हैं फिर से, थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, जिससे दिखता रहेगा, वहां दिखेगा नहीं, लेग बढ़ गया। हम प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं, हल्का सा ऊपर, अच्छा वो फिर टाइमिंग नहीं दिखेगा, आप कंट्रोल माइनस मार दो, ये रहा कंट्रोल माइनस मार दो, हो गया। लगभग 90,000 चल रहा है। अभी हम फिर से सिर्फ गैप का वेट कर रहे हैं, राइट। 91 बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आ रहे प्रीमियम में, 170 और 180 चल रहा है। लगभग 2.5 से 3% का अभी भी प्रॉफिट चली रहा है, और 12 तारीख आई है अभी, अभी हमारे पास लगभग लगभग 10 दिन और है ट्रेडिंग डेज। मैं चाहूं तो इसको एक दिन करके आगे बढ़ा रहे, अगर ज्यादा चेंज आया तो हम बैक करके 30 मिनट में देख लेंगे, वही वरना ये बहुत स्लो जा रहा है। चलो हम आगे देखते हैं, ये यहाँ पे देखो, ये 100 का हो गया, ये 247 का हो गया, ये ऑलमोस्ट 147 का गैप है यहाँ पे। हम एडजस्टमेंट सेकंड पे आ गए हैं, अभी भी आपको लगभग 2.8% मिल रहा है, राइट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिटेबल लेग बुक करना है ओनली। प्रॉफिटेबल लेग हमारा ये है, ये 70,000 रुपए मिल रहे हैं, ये हमने 100 रुपए पे वापस बुक किया। वापस जाएंगे, क्या ढूंढेंगे हम, 247 रुपीज का पुट, राइट। 247 ये रहा,
एक हमारे पास 224 है, 252 है, ये रहा 252, बिल्कुल ₹4 का गैप है। कभी भी बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन चेन है, ऊपर नीचे चलता है, बट जो ज्यादा क्लोज हो उस जो ज्यादा क्लोज हो। अब आप यहाँ पे वापस, बट आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक तरीके से आपका जो रेंज है वो नैरो भी होता जा रहा है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो आप जूम करके देखोगे तो ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली T+0 मतलब जैसे अपन डिलीवरी लेते हैं ना T+0 T+1, तो ये आज का प्रॉफिट और लॉस दर्शाती है। यहाँ पे अभी हमारा प्रॉफिट 1,00,000 कुछ चल रहा है, टोटल प्रॉफिट आप देखो 3,00,000 से बढ़ के 5,50,000 हो गया। इसमें अच्छी बात ये होती है कि आप इसमें क्रेडिट कलेक्ट करते जा रहे हो, मार्केट अगर ऊपर भाग भी रही है ना नीचे भाग भी रही है, क्रेडिट कलेक्ट करने से क्या होता है अगर एक भी दिन या दो दिन भी रुक गई एक जगह पे, जो कि नॉर्मल पॉज आता है, मार्केट हमेशा ट्रेंड में ऊपर जाती है, उस पॉज में आपका सारा लॉस गायब हो जाएगा, क्योंकि थीटा डीके तो डेली काम करता है, मार्केट भागे या ना भागे। यहां पे आप देखोगे आपका थीटा डीके में दिखाऊंगा, यू कांट इवन इमेजिन इट्स 97 के आसपास। तो अगर मार्केट में कुछ भी वॉलिटिलिटी ये सब गैप नहीं आया तो आपको 90,000 भी मिल सकते हैं डायरेक्ट, बट मार्केट मूव करती है इस वजह से थोड़ा थोड़ा डीके तो चलता ही रहता है। अब हम वापस से पीएनएल में जाते हैं, थोड़ा जूम आउट, चलिए एक दिन और आगे करते हैं। अब सीधा अब ये देखो सीधा गायब हुआ, तो हम एक दिन पीछे चलते हैं और देखते हैं इस दिन क्या हुआ। अब इसको 30-30 करके देखना पड़ेगा, हमें सिर्फ 252 और 247 यहाँ पे इसको वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गैप कितना है। ये हो गए 500 का 40% ऑलमोस्ट 200 के आसपास, तो 190-200 का गैप आएगा इन दोनों के बीच में, हमें चेंज करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस दिन शायद मूव बड़ा आया होगा, राइट, अभी बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं। ये देखो मूव स्टार्ट हो गया 183 एंड 320, अभी गैप अराउंड है बट 200 के आसपास का नहीं है, तो हमें यहां पे सिर्फ गैप का ध्यान रखना है। अभी इस वक्त आप देखोगे गैप कितना है, 268 और 215 इनको जोड़ोगे तो अराउंड 500 के आसपास आएगा, 500 का 40% कितना होता है ₹200, ₹200 का गैप अगर इन दोनों स्ट्राइक के बीच में आया, प्रीमियम के बीच में आया, हमें एडजस्टमेंट फिर से करना पड़ेगा। ये हमारी थर्ड एडजस्टमेंट हो जाएगी, इसका मतलब हम दो बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, एक बार हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ लगभग 70,000 का, एक बार बुक हुआ 1,12,000 का, हमें अगला प्रॉफिट बुक करना है जब 200 का गैप आए, अभी यहाँ पे गैप 200 का नहीं है। देखो मार्केट मूव करना स्टार्ट कर दिए 183 और 320 गैप स्टार्ट हो रहा है। आप देखो यहाँ पे आपका प्रॉफिट 1,10 से नीचे कम आया थोड़ा सा, वो अलग ही दिख जाता है कि मूव आ गया। आपको चार्ट देखने की नीड भी नहीं है अगर आपने ये डाल दिया है। अभी आपका 64,000 अब यहाँ पे देखो ये रहा, देखो 200 का गैप ऑलमोस्ट हो गया, 220 का गैप है ये, ठीक है। अब हमें सिर्फ यहाँ जाना है, डायरेक्ट इसको बुक करो 156 पे, 86,000 और आपके आ गए, ये आपने क्रेडिट ले लिया। अब आपको जो मैचिंग प्रीमियम है 383 के आसपास आ गई है और ये 4200। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको कभी भी क्रॉसओवर नहीं करना है, मतलब जहां पे आपका कॉल है ना और आप पुट को मान लो नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो यहीं पर रुक जाना है। आप इसके पुट को इसके ऊपर इन द मनी में कभी लेके नहीं जाओगे, तो बेसिकली आप इतना समझ लो कि हम सिर्फ स्ट्रडल तक जाएंगे। स्ट्रडल मतलब जिस सेम स्ट्राइक पे जहां पे कॉल और पुट बिका होता है उसको हम स्ट्रडल बोलते हैं, और उसका चार्ट बिल्कुल ऐसा होता है ट्रायंगल की तरह, तो हम इसको ले जाके सिर्फ यहां तक ले जाएंगे और यहां से नया ट्रेड शुरू होगा, राइट, ठीक है। तो अभी हम इसको चेंज करते हैं, हमने बुक कर लिया 156 में, अब 383 का पुट ढूंढना है हमें, 383 ये रहा, 371 का, 42,000 पे एग्जैक्ट हमारा कॉल कहाँ पे, 42,100 पे, मतलब सिर्फ 100 पॉइंट का गैप है। तो हम या तो डायरेक्ट स्ट्रैडल बना दें अभी इसी वक्त ही, या तो इसको लें और 3 बजे स्ट्रैडल बनाएं, इसलिए क्योंकि हमें तो स्ट्रैडल लेके जाना ही पड़ेगा। तो अगर अभी कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2:50, ऑलमोस्ट लास्ट हो रहा है, तो हमें स्ट्रैडल ही बेचना है, तो हम स्ट्रैडल बना के इसको यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे आने ही वाला है, राइट। हमने अभी अगर इसको छोड़ दिया और कल गैप अप हो गया तो हम लेट हो चुके हैं स्ट्रैडल बनाने में। तो अगर 3 बज रहे हो कभी भी तो मोस्टली स्ट्रैडल लेके जाओ डायरेक्ट। तो ये 4200 ये हमने यहाँ पे बेचा, अब यहाँ पे बन गया स्ट्रैडल, राइट। इसका ग्राफ दिखाइए, लोगों को समझ आएगा स्ट्रैडल कैसे दिखेगा। ये देखो स्ट्रैडल हमेशा ट्रायंगल में दिखेगा, आपको दोनों कॉल और पुट आपने एक ही स्ट्राइक पे बेच दिया है। अगर हम स्ट्रैडल का कोई अलग से वीडियो बनाएंगे जस्ट फॉर स्ट्रेटजी पर, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, बट स्ट्रैडल एक बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है, ट्रायंगल स्ट्रैडल सबसे बेसिक स्ट्रेटजी है। अब हम यहाँ पहुंच गए, यहां से दो पार्ट आते हैं, इस जगह को अब मैं कैसे सेफगार्ड करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो एडजस्टमेंट का पार्ट ही नहीं बचा ना। आई एम जस्ट लाइक कि अब यहाँ से बस भगवान भरोसे, मार्केट जो करे वो मेरा, पर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। वो एडजस्टमेंट क्या होगा, हमें अब चाहिए सेफ्टी।
मैं अब नहीं चाहता कि मैं दोनों तरफ बड़ा माल खो, मुझे फिक्स लॉस चाहिए, मैं उसमें ज्यादा पैसे नहीं खो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को डायरेक्ट चेंज करके आर एन फ्लाई में ले जाएंगे। आर एन फ्लाई क्या करेगी, आपका बड़ा लॉस बचाएगी। हम यहाँ पे दोनों कंपेयर करेंगे, अगर मैं इसको चेंज नहीं करूंगा तो क्या होगा, और आर एन फ्लाई बनाऊंगा तो क्या करूंगा। पहले हम आर एन फ्लाई बनाते हैं और दिखाते हैं क्या होगा, एंड देन आर एन फ्लाई हटा देंगे। बस हमें डेट याद रखनी है 13। सबसे पहले एक बार हम इसे कंटिन्यू करें, फिर आर एन फ्लाई बैक में जाके बनाए, करेक्ट, वो भी चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास चेंजेस के पॉइंट नहीं है यहाँ पे, हम चलो आगे बढ़ते हैं। एक दिन ऊपर कर लीजिए, आपको इस लाइन से समझ आएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ गई है और अभी 72,000 का नेट प्रॉफिट है, मतलब आपने जो भी स्ट्रेटजी में स्टार्टिंग से, करेक्ट। अब देखो 72,000 आपको मिल रहे हैं 17 तारीख के 2:50 हो रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, आपके पास कोई खास चांस नहीं इसको चेंजेस करने के। एक दिन और आगे गए, 1,04,000 मिल रहे हैं, मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। स्ट्रैडल का एक फायदा भी होता है, ठीक है, फायदा यह है कि आपके पास बड़े प्रीमियम है, वो छोटा मोटा जो मूव होता है ना 100-150 पॉइंट का, उसको कोई तकलीफ ही नहीं पहुंचाएगा वो, क्योंकि प्रीमियम इधर बड़ी है, मार्केट ऊपर गया ये गलेगी, मार्केट नीचे गया ऊपर वाली प्रीमियम गलेगी, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत देखिए ऑलमोस्ट 2,00,000 के आसपास। अब आप देखो यहाँ पे आप 2,00,000 मिल रहे हैं, अगर आप ये देखेंगे स्ट्रैडल में हमने जहां से शुरू किया था, हम 3,00,000 की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 7.5 लाख का प्रॉफिट है, करेक्ट। आपका क्रेडिट ऐड होता चला गया, स्ट्रैडल इज द हाईएस्ट गिविंग प्रॉफिट, हाईएस्ट थीटा स्ट्रैडल पे होता है एट द मनी पे। इसका भी रीजन है, सिर्फ आउट ऑफ द मनी जीरो होते हैं, तो सबसे पास का आउट ऑफ द मनी कौन होता है, एट द मनी। तो जो सबसे पास का आउट ऑफ द मनी वो जीरो होता है, इसका मतलब जो एट द मनी में दोनों स्ट्राइक होंगी ना वो हाईएस्ट प्रॉफिट देती है थीटा डीके वाले को, जो सेलर है। तो यहाँ पे हम एट द मनी में पहुंच गए, 7.84 लाख फुल प्रॉफिट है, और जो बिगनिंग का प्रॉफिट 9% था ना, उसका ऑलमोस्ट मार्केट ने कितना दे दिया हमें, डबल हो गया, ये 5.5% ऑलरेडी मिल रहे हैं अपने। अब किसी को अगर मंथली में 5.5% एक्सेप्टेड नहीं है तो ये तो गलत है। आप क्या चाह रहे हो, मतलब 10% मंथली कमाने की सोच रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप वॉरेन बफेट को 10 साल में पीछे छोड़ दोगे अगर ये CAGR आप कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो 2,00,000 मिल रहे हैं, आराम से आप यहाँ पे निकल सकते हो, फिर भी हम आगे लेके जा रहे हैं चलो। और खास बात तो आप ये देखो कि हम तब कर रहे हैं जब मार्केट भाग रही है। अगर मैंने इसको नॉर्मल साइडवेज पे किया होता ना, तो आपने तो कब का ये ब्लू लाइन बिल्कुल टच करके हुई थी, आपका पूरा प्रॉफिट कब का मिल गया होता। अब इस वक्त आपको मिल रहा है 7%। अब इसके आगे में कितना, 3,00,000 जो मिलने थे अभी 262 पे पहुंच, 262 तो ऑलरेडी पहुंच चुके हो आप। तो आपका जो बिगनिंग का 9% का प्रॉफिट था, अभी यहाँ पे आपको लगभग 7% मिल रहे हैं, मंथ का अभी आधा भी नहीं हुआ, अभी 8 दिन और बचे हैं। अब आपको 3,19 मिल रहे हैं, मतलब 3 तो हो ही गया, जो आपने 3 क्रॉस हो गए, जो बिगनिंग के 9% के आसपास हो, क्रॉस। अब देखिए कम से कम हो गया, क्योंकि मार्केट एकदम से भागी है, एकदम से मार्केट भाग गई 24 तारीख को, 24 अप्रैल को। तो आपका जो मेन प्रॉफिट था, आपका जो मेन प्रॉफिट 3,00,000 कुछ चला गया था, वो अब लौट के 2,00,000, मतलब आपके 1.5 लाख गायब हो गए एक बार में। इसका मतलब मार्केट ने एक बड़ा मूव दिखाया, वो आप यहाँ पे ग्रीक्स पे जाके दिखा सकते हो कि कितना पॉइंट का डिफरेंस आ गया होगा। ये देखो आप पीएनएल में आप जाके देखोगे तो ये रहा 583 और आपका जो पुट है वो 59 रुपीज का है, मतलब यू आर वेरी अनबैलेंस्ड। यहाँ से ट्रेड को लेके जाना रिस्कीएस्ट पार्ट है, मतलब आपके पास तो पुट में कोई माल ही नहीं है ना, आप ये सिर्फ 59 रुपए मिलेंगे आपको, आपको खोने के लिए 1,000 रुपए, तो ये रिस्क रिवॉर्ड तो बिल्कुल खराब है। ये वो पॉइंट है जहां पे एक होशियार आदमी इस प्रॉफिट को बुक कर लेगा, 5% कोई बुरे नहीं होते, पर हम तो अभी बेवकूफ है ना, अभी हमने नया नया शुरू किया है, हम इसको लास्ट तक लेके जाएंगे। वापस से पे ऑफ में गए हम, एक दिन और आगे लेके जाते हैं। अब आपका बिल्कुल आखिरी दिन चलने वाला है, आपका 1.31% अभी और बचा हुआ है मार्केट में। अब आप देखोगे 704.22 रुपए, राइट, बिल्कुल बैलेंस नहीं इसके अंदर। वापस से पे ऑफ में गए, नेक्स्ट डे लेके गया मैं, मार्केट 173 दे रहा है। ये देखो अब लास्ट डे वहां पे पहुंच गए हो जहां से आपका लॉस शुरू होने वाला है 31,000 में। और आगे लेके जाऊंगा आपको, यहाँ पे पता चलेगा आप नेगेटिव में आ गए पूरा का पूरा। तो इसका मतलब ये सिंपल, आप ये समझ लो कि आपने पूरी मेहनत करी, आपने 9% का प्रॉफिट भी देखा, अंत में अगर आपको ना एक चीज डिसाइड करनी पड़े, मुझे ये बुक करना है, अगर आपने 9% भी बुक नहीं किया ना महीने का, आप अंत में एंड अप डूइंग दिस, आपके 34,000 रुपए चले जाएंगे, और फिर आप बोलोगे कि अरे यार ट्रेडिंग खराब है। आपको एक वो रखना पड़ेगा, आपको एक एक्सपेक्टेशन माइंड में रखनी पड़ती है कि दिस इज माई हाईएस्ट। जैसे मेरा मंथली अगर 6% आ रहा है ना, तो मेरे लिए 6% बहुत है, क्योंकि 2 महीने का काम हो गया, 3 और 3, मैं बहुत खुश हूँ, अगले महीने में और कम रिस्क लूंगा, जिससे 6 के बाद अगर 2 भी बने ना, तो मेरा एवरेजन 4 चलता रहे। तो ये चीज आपने देखी कि यहाँ पे हम एक अच्छी ट्रेड को बुरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जस्ट हम
उसमें आगे बढ़ते रहते, नहीं मैं तो और पूरा लूंगा, पूरे 8 लाख लूंगा, वहां पे चलता है। बट आपने जो बिगनिंग में पाया था वो आपने मिडिल में ले लिया था पूरा पैसा, आपको बुक करना चाहिए था। अब हम चलते हैं इसको और सेफ गार्ड करते हैं। अभी देखो ये क्या हुआ पता, अभी आपने सिर्फ 34-35 हज़ार रुपए खोए। अगर इसमें गलती से मार्केट और मूव कर देता या आपके पास एक दिन और होता तो आप इसमें और खोते चले जाते, क्योंकि आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इसको मैं बचाने का बोल रहा हूँ कि आप इसको बचाओ। वो कैसे बचाओगे, हम बैक चलते हैं वापस से 240 करते हैं, वापस से हम पहुंचेंगे 13 तारीख पे, 13 अप्रैल। अब उस जगह पे हम इसको आयरन फ्लाई बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये अनडिफाइंड लॉस नहीं चाहिए, क्योंकि आप, मैं आपको बताऊं कितना रिस्की पार्ट है ये। एक स्ट्रेडल अगर गलती से भी 5% के गैप अप पे खुल गया ना, आपका पूरा कैपिटल ले जाएगा विद इन मतलब सेकेंड्स, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो हम हर सिनेरियो लेके चलते हैं। अगर 2-3% भी खुला, जैसे इस जगह से मार्केट अगर 2% ऊपर खुली ना, 3-4 लाख का नुकसान। ये देखो 4,15,000 रुपए जा रहे हैं, तो ये चीज माइंड में रखनी है। तो इसमें स्ट्रेटल चेंज फ्रॉम द स्पॉट इज 1.86 ओनली, मतलब अभी सिर्फ 400 पॉइंट का मूव की बात कर रहा हूं मैं। अगर मार्केट यहां से 400 पॉइंट मूव किया, मार्केट के पास अभी 3 दिन है, 400 पॉइंट कितना बड़ा होता है बैंक निफ्टी के लिए। मूव किया आपके 4 लाख रुपए का, 1000 पॉइंट कर देगा तो एक बार लॉस बता दो लोगों। 1000 पॉइंट किया तो ये लो आप, ये रहा 1000 पॉइंट में आपके 10 लाख रुपए जा रहे हैं। तो ये रिस्क होता है एक नेकेड स्ट्रेडल को होल्ड करने का। इसीलिए मैं नेकेड स्ट्रेडल के होल्ड करने के साथ तो बिल्कुल नहीं हूं। तो मैं इसीलिए जब भी मैं स्ट्रेडल पे पहुंचता हूं उसी वक्त मैं कैप कर देता हूं लॉस, कि मैं इतना ही दूंगा चाहे मार्केट जो मर्जी कर रहा है। प्रॉफिट जो मिलना होगा वो तो वैसे भी मार्केट के हाथ में, राइट। तो हम बैक 13 तारीख को चलते हैं जब हमने स्ट्रेडल बनाया था। स्ट्रेडल आपको लालच दे सकता है, जैसे इसमें फटाक से 9% मिल गए तो स्ट्रेडल में लालच मिलेगा, बट स्ट्रेडल 10 लाख भी ले सकता है पलट के। 900 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरे हिसाब से स्ट्रेडल से बढ़िया जो रिस्क रिवॉर्ड आएगा वो आयरन बटरफ्लाई में आ जाएगा। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है उसमें, क्योंकि उसमें आपको खोने का आपको पता है कि एक्सपायरी डे पे इतना खो सकता है, आप उसमें और तरीके लगा सकते हो बचाने के। हम जब अभी जस्ट इसके बाद ना आयरन फ्लाई का एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, हम 7000 पॉइंट के मूवमेंट को कवर करेंगे आयरन फ्लाई के अंदर विदाउट अ लॉस। और मैं वो भी सिखाऊंगा कि आप मार्केट अगर 4000 पॉइंट गिरे और 3000 पॉइंट बढ़ जाए ना, उसमें भी आपको बच के कैसे निकलना है। यहाँ पे लोगों को सुनकर बड़ा हैरानी लग रही होगी कि भाई 4000 पॉइंट की हम बातें कर रहे हैं, बट अगर आप समझो कि अगर आप बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो और एक पोजिशन में हो, उस टाइम पे ये चीजें बहुत काम आती है। करेक्ट, उस टाइम पे आपको कोई बताने वाला भी नहीं होता कि ऐसा करना है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, यू नीड टू अज्यूम कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आप ये लेके मत चलो कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगा, आप ये लेके चलो कि मैंने आज ट्रेड डाली है, कल से ही मार्केट 1000-1000 गिरना शुरू कर रहा है। आप बस वो प्रिपेयर करके चलो, अच्छा होगा तो आपको तो पैसे मिलने ही है। तो हम यहाँ पे इस जगह पे हमने स्ट्रेडल क्रिएट कर दिया, लगभग 13 तारीख है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा ना हेज लेके चलूं। अब हेज के लिए कई लोग पूछेंगे कि हेज बाई कैसे करना है, पहले मैं इसको बराबर कर दूं। हमने स्ट्रेडल बनाया था इसको, करेक्ट, ये रहा सेंटर। हमें हेज कहाँ बाई करना है, हम हेज ब्रेक इवन पे बाई करेंगे। मतलब आपका स्ट्रेडल जहां तक आपको सेफ रख रखना है उस जगह से बाई करो। आपकी सेफ्टी यहाँ पे कहाँ है, मैं जूम इन कर देता हूँ। आपकी सेफ्टी कॉल साइड में है 42,900, मतलब अराउंड 43,000 पे आपकी सेफ्टी है। एंड आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे कि ऑलमोस्ट आपकी सेफ्टी खत्म हो रही है 41,200 पे। तो हमें क्या बाई करना है, 41,200 का पुट एंड 43,000 का कॉल। 42,900 ना ले लें यहाँ पे, 42,900 ये एक्चुअली 42,972 है। आप देखोगे, ये देखो यहाँ ब्रेक इवेंस लिखे हुए हैं, मैं चार्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको लगे, यहाँ पे लिखे हुए ब्रेक इवेंस 42,973 और 41,200। आपको सिंपली राउंड फिगर जो सबसे पास में हो, 43,000 और इधर 41,200 चलेगा वो। तो 41,200 का पुट, ये रहा, हमने बाई मारा बिल्कुल सेम क्वांटिटी। आप बिल्कुल भी ये नहीं करोगे कि अरे मैं तो बुलिश हूँ थोड़ा कम बाई करूँगा, नहीं, आपको इक्वल रखना है बिल्कुल। रिस्क नहीं बनेगी तभी फ्लाई बनेगी तभी। और इस तरफ से 43,000 बाई करना है। अब आप देखोगे बिल्कुल एक इक्वल आयरन फ्लाई बन गई होगी, जिसमें आपको दोनों साइड में बिल्कुल बराबर का रिस्क रिवॉर्ड होगा। ये देखो आपके यहाँ पे हाईएस्ट आप यहाँ पे लगभग हाईएस्ट 4% खो सकते हो। मतलब अगर मार्केट अब ना, ये देखो चेंज फ्रॉम स्पॉट 5%, मतलब 1500 पॉइंट भी कर दूंगा ना, आपका लॉस 1,75,000 रुपये, वहाँ पे था 10 लाख रुपये, 1:10 का फर्क है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ज्यादा पैसे जाए, सिंपल। अब आप देखो आपने यहाँ पे आयरन फ्लाई बना दी, आयरन फ्लाई बनाई मतलब जो आपके पास पहले स्ट्रेडल में प्रॉफिट रहा होगा ना 783 का, आपने कुछ दोनों तरफ हेज में दे दिया, तो आपका प्रॉफिट जरा सा कम हुआ होगा। लेकिन आप यहाँ पे लॉस देखो, आपका लॉस जो वहां 10 लाख जा रहा था वो 2 लाख है, मतलब बहुत बड़ा एक गैप आ गया है। अब आपको यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं अब यहाँ पे डरूंगा बिल्कुल नहीं।
ये देखो यहाँ पे 6 लाख के आसपास का प्रॉफिट है एंड 234 का लॉस हाईएस्ट है। और आपकी रेंज, ये सबसे मेन मायने है यहाँ पे, देखो आपकी रेंज तब कितनी थी 42,974, सिर्फ 200 पॉइंट अंदर आई है। मतलब आपने सेफ्टी भी ले ली, पूरा लॉस हटा दिया, खाली 200 पॉइंट की रेंज छोड़ी है। नीचे की तरफ 41,200 समथिंग था, ये 400 हुआ। मतलब आपने कोई बहुत बड़े अपने रेंज की कुर्बानी नहीं दी, आपकी रेंज अभी भी वही की वही है, बहुत बड़ी, और आपने हेज भी कंप्लीट कर लिया। लोगों को लगता है अरे यार हेज लेंगे तो हमारी रेंज छोटी हो जाएगी, हमें प्रॉफिट कैसे होगा, बट ऐसा नहीं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर इस आयरन फ्लाई को बनाते हैं तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट सीधा हाफ से भी कम हो जाती है। करेक्ट। तो अगर 1 लाख के कैपिटल से पहले आप बना रहे थे कि मान लीजिए आपको स्ट्रैंगल बनाना था या स्ट्रैडल बनाना था, यहाँ पे वो 50,000 में काम हो जाएगा। करेक्ट। आप जैसे मान लो इसमें मार्जिन जो लेके आ रहे थे, जो हाई मार्जिन आपका नेकेड स्ट्रैंगल बेचने से जा रहा था, वो यहाँ पे जस्ट हाफ के नीचे चला जाएगा, क्योंकि आपने हेजेस बहुत बराबर बाई किए, आपका लॉस कैप हो गया। और जो लोग इंडिविजुअली से करते हैं, मान लीजिए वो स्ट्रेटेजी बिल्डर से नहीं करते, तो पहले बाय करोगे और फिर सेल करोगे। करेक्ट। बट अगर आप पहले से सेल करके चल रहे थे तो मार्जिन होगा आपके पास, बट अगर किसी के पास कम मार्जिन है और उसे आयरन फ्लाई बनाना है तो पहले बाय करोगे फिर सेल करोगे। करेक्ट। आप मतलब पहले बाय करके बाद में सेल करोगे तो आपका मार्जिन कभी भी लॉक नहीं होगा। कई बार क्या होता है, मैं ये, हाँ ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, कई बार मान लो किसी के पास सिर्फ 2.5 या 3 लाख रुपए हैं, वो 2 लॉट से ट्रेड डालना चाहता है, तो वो क्या करते हैं ना, 2 लॉट से पहले उन्होंने पुट बेचा, उनके लग गए कितने, लगभग 2 लाख रुपए, 2.2 लाख। उसके बाद उन्होंने जो अगला बेचना है ना, वो हो गई नहीं, बेचे बिके गई नहीं आपके पास। उसके बाद ना आपके पास सिर्फ 70,000 रुपए बचे, क्या पता आपके पास बाइंग का भी पैसा ना हो, आपकी पूरी ट्रेड ही खराब हो गई। तो आप ट्राई करो कि पहले बाई करो फिर सेल करो, देन उसके बाद फिर बाई करो फिर सेल करो, ये एक सीक्वेंस है। इससे क्या होगा, आपका मार्जिन कंट्रोल में रहेगा। ओके, तो अब यहां से आगे जाते हैं। आप यहाँ पे 1/14 के प्रॉफिट में, अब आपको पहली बात याद रखनी है, ये 1/14 अब हाफ से भी कम मार्जिन में आ रहा है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आप जो भी डिप्लॉय कर रहे हो उस मनी के हिसाब से आपको चीजें, मतलब आपका जो मार्जिन है ना फ्री होकर आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लग जाए। हाँ, अब आप दूसरी ट्रेड वापस से बना सकते हो। मतलब मैं अपनी स्टाइल बता रहा हूँ, मैं अगर यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि या तो ये ट्रेड अब अच्छे से प्रॉफिट देने वाली है या तो ये साइड में कहीं जाकर रुक जाएगी। मैं अपने आधे मार्जिन से वहां अगली महीने की ट्रेड डाल चुका हूँ। राइट। तो ये चीज आपको साइकिल में चलाते रहना है, आपको कभी भी फ्री मार्जिन पड़ा है, आप यहाँ पे मार्जिन का ही कमा रहे हो। दिस इज जस्ट लाइक कि आप बैंक से इंटरेस्ट लेते हो ना, आप यहाँ मार्केट से इंटरेस्ट ले रहे हो अपने पैसे का, 2% लो, 2.5% लो, 3% लो, आप पे जितना कम रखोगे उतना आगे जाओगे। ये जो अगला पैसा है उसको आगे इन्वेस्ट कर दो, उसको रखो मत, क्योंकि वो इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। आप इसको ऐसे रखने वाले हो, जैसे ही मिला पैसा निकले, मुझे यहाँ पे 1/14 मिल रहा है, अभी भी मेन मार्जिन का 3% है और इस मार्जिन का तो 6% है, मैं ये भी बुक करूंगा, अगली ट्रेड भी डाल दूंगा। राइट। चलो एक दिन और आगे जाते हैं, और ये हमें पता ही है कि मार्केट आगे गया था, सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये, हम जानते हैं कि ये खराब होनी है। अब आप यहाँ पे देखो 166, ऑलमोस्ट 4% फिर से दे रहा है, फंसने के बाद, इवन आयरन फ्लाई बनने के बाद, सब कुछ मेन मार्जिन के 4% आपको मिल रहे हैं। ये यहाँ पे देखो डायरेक्ट प्रॉफिट गायब हुआ आपका 4% से 1.5% पे आ गया, क्योंकि मार्केट में आगे की तरफ सीधे बड़ा मूव आया, ये वही है जैसे वहां पे 4 लाख से नीचे को कमा गया था, लगभग 4,000 रुपए बचे हैं, लगभग 6,000 खत्म ही हो गया। अब आप देखो यहाँ पे 192, अब कई लोगों की दलील क्या होगी कि ये तो आपने हमें एडजस्टमेंट बताई थी और इसमें 192 जा रहे हैं, उसमें हमारे 34,000 रुपए जा रहे थे, बट किसी ने ये नहीं बोला कि ये जो कैंडल थी ये आखिरी दिन वाली एग्जैक्ट यहाँ पे आके बंद हुई, इसकी क्या गारंटी कि ये कैंडल बड़ी नहीं बन सकती थी। मैंने वहां पे दिखाया कि अगर ये कैंडल बड़ी बन जाती ना, आपके 11 लाख रुपए जाने थे और आपके पास कोई हेज नहीं था, यहाँ पे ये इससे ज्यादा रुपए लेके जा ही नहीं सकता हमसे, क्योंकि अगर ये खराब नहीं होता, मैक्सिमम लॉस पे बाहर निकल रहे हो, आप खत्म, यहाँ पे इसका खत्म हो गया गेम। ये यहाँ पे हम दो चीजें सीखेंगे, पहला प्रॉफिट बुकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट। ठीक है, आपको हमेशा मेरे हिसाब से 4% अगर मिल रहे हैं बहुत ही बढ़िया अमाउंट है, आप बुक करो। आपको यहाँ पे 9% मिल रहे थे, आपने बुक नहीं किया। दूसरी गलती एक जो न्यूबी करता है, बिल्कुल लास्ट तक लेके जाता है ट्रेड को, ये हमारी गलती। अभी भी इसके पहले हमें एक दिन पहले 5% रुपए मिल रहे थे, बिल्कुल हम एज पे थे, हम तब भी इसको लेके गए, और जब बड़ा मूव आ रहा था मार्केट में, चलो आप प्रॉफिट में थे, प्रॉफिट जा रहा था, तब भी बुक कर सकते थे। अब अच्छी खास बात कि ऐसे बड़े मूव में पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अभी क्या हैंडल किया है, हमने कितना बड़ा मूव हैंडल किया, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसको रिप्ले से हटा देते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कितने परसेंट के मूव हमने हैंडल कर लिया। राइट। आखिरी डे ये रहा 27, हम यहां से कैलकुलेट करते हैं प्राइस की रेंज कितनी आई,
ये 2500 पॉइंट हमने हैंडल कर लिए, वो भी प्रॉफिट पाते हुए। 9% का प्रॉफिट हमें बीच में मिला था, हमने उसको बुक नहीं किया। 5% का मिला, 6% का, वो भी 2500 पॉइंट में। ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर मैं यही एडजस्टमेंट सब कुछ अभी ये जो पूरा एरिया है ना ये इसमें दिखा दूं, आपके हर चारों महीने प्रॉफिट है, चार महीने से प्रॉफिट बना रहे हो आप, यहाँ पे भी प्रॉफिट ही बनाया आपने। तो मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ, 12 में से 11 महीने अगर आपने इसको बराबर से फॉलो किया ना विद रिस्क मैनेजमेंट, आपका काम बन जाएगा। आप उतना कमाओगे जितना आपने सोचा नहीं था कभी। बट प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत सिंपल है, सबको दूसरी चीज है। आपको और मुझे एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लोगों को बतानी यार, जब कैपिटल होता है हमारे अच्छे पैसे बन जाते हैं तो हमें लगता है यार वो अच्छे पैसे बन रहे हैं। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, किसी का 50,000 का मार्जिन है, 1,00,000 का मार्जिन है, 2,00,000 का मार्जिन है। हमने आपको बताया था जब आपको सेलिंग करनी है ना, यू नीड यार एटलीस्ट 2-3 लाख रुपए चाहिए कम से कम। क्योंकि अगर आपके 2-3 लाख में जब आपको दिखेगा चलो 10% बन गया, ठीक है, या 5% बन गया, 15,000 आ गया, 20,000 आ गया, वो एक सिग्निफिकेंट नंबर तब भी लगता है, चलो कुछ बना है। बट अगर किसी को 2-3-4,000 रुपए बनेगा तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं लगेगा। बट थिंक लाइक परसेंटेज, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपने, मैं सच बता रहा हूँ, महीने के अगर 4% कमाया ना और लगातार 4 साल कमा लिए, आप 1% में आ गए। आप 1% में ही हो, 1% में आपने निकाल लिया सब कुछ, निकाल लिया सब। वो जो 90-10 था ना, आप 1 में हो, 1 में हो, राइट। रिपोर्ट के हिसाब से 10% थे, आप उसके भी 1 में पहुंच चुके अगर आप इसको लगातार कर चुके हो। अब मैं चाहता तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा सकता था जिसमें हाईएस्ट प्रॉफिट होता, मैंने जानबूझ के गलत एग्जांपल दिखाया क्योंकि हम अभी यहाँ पे सिखाने के लिए बैठे हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट जल्दी से करके ना मैं इस एरिया को दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ मार्च में, नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ गया, आप अपना सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, हाँ, सो दैट लोगों का रेजिस्टेंस हल्का सा अगर आप ऊपर लेके जाना चाहो। आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, मुझे बस इतना बता दिया, फेब में शुरू कर रहे हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ बस, देखो हमने अभी ये लिया, ये खतरनाक वाला एरिया लिया, मैं आपको बताता हूँ। ये नॉर्मल, ये आपको दिख रहा है, हाँ, ये जो एरिया है ये कौन सा है, 10 मार्च, मार्च में मार्केट ये ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर आई। मार्च में मार्केट ने यहाँ पे रेंज को ब्रेक करने का ट्राई किया था। अब हम यहाँ पे सपोर्ट तो है नहीं, हमें नीचे का सपोर्ट लेना पड़ेगा। मार्च में सिंपली आपको इसमें आराम से 6% आप कहाँ से मार्च का मंथ, मैं इसको सारा मिटा देता हूँ जिससे और ईजी हो जाए। ये लो, ओके, अप्रैल हमने देख लिया, सबसे गंदा था, हमने उसमें भी बीच में 9% कमाया। अब हम अगला देखते हैं कि इस वाले में क्या होगा। अगर हम फेब नहीं, मार्च, मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ, डेट देख लेते हैं, फेब की एक्सपायरी जिस दिन थी उसके 29 मार्च की एक्सपायरी है और फेब 23 तारीख को एक्सपायर हो गया था, मतलब 23, 24, 25 छोड़ के 27, एक दिन की कोई छुट्टी होगी, मतलब 1 मार्च से स्टार्ट होगा मोस्टली, ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं 29 मार्च, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं 1 मार्च से और एंड करेंगे 29 मार्च पे। ये हर महीने का, आप इसको ऐसे ही चलाते रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा, इसे क्लीन कर दो पूरा, हाँ, ये हो जाएगा रीसेट। मैं एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ क्योंकि ऑप्शन में कई बार ऐसा होता है कि आप सिमुलेटर ज्यादा देर तक चलाओ तो वो बीच में कट मार देता है, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, राइट, कोई बात। ये हमने लिया बैंक निफ्टी, राइट, आप निफ्टी में भी सेम कर सकते हो, फिर निफ्टी में भी सेम कर सकते हो, चलेगा। हाँ, निफ्टी में यह है कि प्रीमियम्स कम होती है ना, तो कई बार क्या होता है जो चेंज आता है आपको उसमें प्रॉब्लम आती है। बैंक निफ्टी में यह है कि आपको प्रीमियम रहती है आपके पास, एडजस्टमेंट के लिए प्रीमियम इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ आप न्यू बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा निफ्टी में कम मूवमेंट है, आपको उसमें वॉलेटिलिटी कम, हाँ, डर कम लगेगा। मुझे पता नहीं था कि अप्रैल में 9% आए, वरना यही कर रहा होता। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मतलब आप इसको बड़े पैसे से कभी भी डिप्लॉय कर सकते हो, कभी भी, और हमेशा आयरन फ्लाई तक ले जाओ, आपको डर ही नहीं है, क्यों डरना है आपको, आपके पैसे का। अभी यहाँ पर एक चीज लोगों को अगर आप बताना चाहो कि अगर आप जैसे एक तरीके को कर रहे हो और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ना भी देखो, हाँ, आप सिर्फ डेल्टा के अकॉर्डिंग भी, डेल्टा के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे ये बता दो, मैं यहाँ पे डेल्टा के अकॉर्डिंग ले जाता हूँ ना, आप छोड़ो सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको कुछ, मैं मान रहा हूँ कि लोगों को गलत आता है, मैं देखो सच बता रहा हूँ, गुजरात में भी मेरे फ्रेंड्स जो ट्रेडर्स हैं वो लोग बिल्कुल नहीं मानते टेक्निकल एनालिसिस में, प्राइस एक्शन में, फंडामेंटल, उनको वो सिर्फ ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये बेचूंगा, इतना मुझे खाना है, उनका यही चलता है, ये मैं इतनी प्रीमियम गलाऊंगा, उन्हें नहीं मतलब कि चार्ट क्या है कैसा है। तो अब वो वाले मोड पे आ जाते हैं हम, सिंपल आप देखो यहाँ पे नॉर्मल बेच दो, यहाँ पे 17-18 का ये बेच दो, इधर 17 बेच दो, ये हमने फिर से लिया 36, ठीक है, इधर की तरफ भी 17 वगैरह बेच दो और छोड़ो बस। 17 कहाँ गया, ये रहा 18, ये किया आपने सेल दोनों साइड, बस ये सिर्फ इतना करते हैं।
प्राइस नहीं देखा हमने, अभी हमने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात ही नहीं करी, हमें कुछ नहीं देखा। आप लोग इतना कंफ्यूज होना क्यों, यहाँ पे भी देखो 3 लाख मिल रहा है बिगनिंग से, सेम मार्जिन सब कुछ आपको 9% फिर बिगनिंग, अब यहाँ से सीधा आगे बढ़ के देखो, सीधा आगे बढ़े वन डे करके देखते हैं, अगर कहीं पे बड़ा चेंज हुआ तो फिर हम देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं पहले प्राइस कितना है जिससे कैलकुलेट कर सकें। प्राइस इज अराउंड लगभग 177-144, तो दिस इज 320 के आसपास, 320 का लगभग 100 रुपए के आसपास, 100 रुपए का दोनों के बीच में चेंज, तो हमें करना पड़ेगा चेंज। हम एक दिन आगे गए, हमें 30,000 मिल रहे हैं, मतलब अभी इसका थीटा हमें 30,000 दे गया बिना किसी उसके, राइट। आप देखो गैप 157 का गैप आ गया, इसका मतलब मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ गई, हमें यहाँ पे चेंज करना है, हम प्रॉफिटेबल को बुक कर लेंगे, ये हमारा 95 पे बुक हुआ, ये हम जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ, क्योंकि हमें सीधी बात बतानी, ये आपको करना है सिंपल, आपका होमवर्क सिर्फ इतना है, मैंने आपको 2 मंथ दिखाए, आप पिछले 12 से 13 मंथ करके देखो, और जो भी PNL हो आप कमेंट बॉक्स में डालना, उसमें देखते हैं क्या हुआ, हमने अपना सिखाया है, आप अपना उसका होमवर्क करो। ये हमने बुक किया, उसके बाद 257 का पुट है, हो गया। आप देखो धीरे धीरे ना जो आपकी रेंज होती है वो छोटी चली जाती है, जैसे अभी यहाँ आपकी रेंज लगभग 40,000 के आसपास है, धीरे धीरे मार्केट तेजी से गिरता जा रहा है इस एरिया में, ये देखो मार्केट, आप देखना 14 मार्च के आसपास 39,200 तक गया है, 39,200 तक, जो आयरन फ्लाई वाला एरिया है ना, हम वहाँ आयरन फ्लाई तक तो पहुँचेंगे, हम उसके बाद भी देख रहे हैं क्या हो रहा है मार्केट, उसके बाद लौट के भी वापस चली जा रहा है। आपको इस ट्रेड में भी देखना 4 से 5 बार मौका मिलेगा कि आप उसको अच्छे प्रॉफिट में निकालो, ये चीज सीखना पड़ेगा। क्या होगा, आप बिल्कुल एंड तक जा रहे हो ना, कि आपने 1 तारीख को डाला 29 को काट रहे हो, बहुत बार ऐसा होगा कि आप यहाँ पे फंस जाओगे, यू जस्ट नीड टू बुक एट 3-5% एंड आउट, राइट। PNL में वापस गए, PNL इस वक्त है 260, यही कुछ 540% लगभग 200 के गैप पे, अभी भी गैप कुछ नहीं है, जहाँ पे भी बड़ा गैप होगा ना उसमें हम वापस जाके 30 मिनट्स में देख लेंगे क्या हुआ, कई बार गैप डाउन हो जाता है, कुछ हो जाता है। ये देखो ये डायरेक्ट यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, तो हम बैक जाते हैं, यहाँ पे पक्का कुछ चेंज आया होगा, क्योंकि जब हम ट्रेड डालते हैं ना कई बार, हाँ, और इस ट्रेड में ये भी है आपको दिन भर चार्ट नहीं देखना है, आप चार्ट में ना अलार्म लगा लो, ट्रेडिंग व्यू में अलार्म लग जाते हैं नॉर्मल लाइन के ऊपर, वो अपने आप बजेगा, आपको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ हुई है, चार्ट मत देखो, चार्ट देखोगे आप गलती करोगे, आपको लगेगा अरे यार गिर रहा है बढ़ रहा है। अभी देखो कुछ भी नहीं हुआ, आपको 1-1.5% मिल रहा है आराम से, right। ये देखो नेक्स्ट डे ही 9:20 पे क्या हुआ है, गैप डाउन हो गया डायरेक्ट मार्केट, ये बैक गए हम, ये देखो 100 लगभग यहाँ पे 300 पॉइंट का गैप आ गया है मार्केट, इसका मतलब कौन सा दिन है, 10 मार्च, देखते हैं क्या हुआ है उस दिन। ये देखो 9 मार्च को मार्केट क्लोज हुआ है 41,300 पे, मार्केट सीधा ओपन हुआ है 40,900, मतलब लगभग 400 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, 400 पॉइंट का गैप डाउन में आप लगभग 1.2 के लॉस में हो, ठीक है। अब हमें वापस जाना है, अब हम इसको वापस से बराबर करेंगे, हमने 99 बुक किया, हमने यहाँ पे 40,000 और 70,000 बुक कर लिए हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बेचना है, 454, 40,400 का पुट, मतलब हम कॉल बेचने हैं हमें 400 रुपये के आसपास, 443, यहाँ पे हम देखते हैं प्रीमियम मैच हो गया है, ये 454 का है, हमने 443 का बेचा, right। आप चाहो पे ऑफ दिखा दो, पे ऑफ देखोगे आप तो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए, अभी भी गैप है, हमारा गैप कितना बचा है, हमने पुट बेच रखा है 40,400 का और कॉल है 41,000 का, मतलब अभी भी गैप है, अभी स्ट्रेडल नहीं बना, जब स्ट्रेडल बन जाएगा, जैसे ही बनेगा हम आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करेंगे, right। आप इसे पेन में गए, यहाँ पे 400 लगभग 300 पॉइंट का गैप है, इन दोनों के बीच में 300 पॉइंट का गैप है, हम चेंज करना पड़ेगा, वो नीचे PNL चल रहा है साथ साथ छोटा कर दे जिससे दिख जाए, बहुत ही एक्टिव वर्क है सिखाना, हम डिटेल में सिखा रहे हैं जिससे कुछ भी छूट गया ना, right। क्या होता है फिर समझ नहीं आता, तो इसको बिल्कुल करके देखो, एक्चुअली ये वीडियो लोगों को तब काम आएगी जब वो रियल ट्रेड में होंगे, जब वो रियल ट्रेड और तब वो इस वीडियो को देख पाएंगे, तब वो इस वीडियो को देखेंगे।
कि क्या क्या किया गया, क्या क्या किया गया पूरा एकदम डिटेल में जब फॉलो करोगे तो आप इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हो, अपने डाउनलोड्स में भी रख सकते हो। जस्ट पिछले वाले टेस्ट में मैंने बताया था कि अगर आप जरा सा भी एक भी टाइम पे आधे घंटे की मार्केट आपका साथ देगी, अगर आप इस ट्रेडल तक बड़े प्रीमियम पे पहुंच गए आपका लॉस देखो फटाक से 60,000 से 19 आ गया सीधा वो लॉस फटाफट, क्योंकि थीटा तो दिन भर काम कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है मार्केट क्या मूव करे क्या ना करे। लोग इसमें भी बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करते हैं कि मतलब आगे को भी ले जाते हैं पीछे को, मैं ज्यादा डिस्टर्ब मत करो किसी चीज को, आप जितना कंफ्यूजिंग बनाओगे ना उतना प्रॉब्लम होगी। इसमें जस्ट ये मैच करते जाओ, स्ट्रेटल पे पहुंचे आयरन फ्लाई बनाओ, सही है नहीं है सही छोड़ो, बात खत्म। आपके पास हर महीना आएगा आपको ट्रेड डालना है, right. ये काम वीकली में भी कर सकते हो आप, इवन लोग इंट्राडे तक में कर रहे हैं, आप इंट्राडे में भी लोग स्ट्रेटल को मैच करते हैं एंड तक ले जाते हैं, ये इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप -1.5-2% से आप वापस से +1% पे आ गए, तो मार्केट ने मौका दिया वापस से। आपको कभी भी ना जानबूझ के गलती नहीं करनी है कि फालतू में आप आगे जा रहे हो, आप चेंज तभी करो जब रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड नहीं है तो शांति से बैठे रहो। हमें बस गैप का वेट करना है, जैसे यहाँ पे ये देखो ये आ गया गैप यहाँ पे 270 और लगभग ये 600 रुपीज, ये ऑलमोस्ट गैप क्रिएट हो गया। हम क्या करेंगे, ये वाले को बुक करेंगे जो नीचे आ गया, ये 1,55,000 रुपये मिले हमें इससे 271। अब हमें 584 ऑलमोस्ट स्ट्रेडल बनेगा, अभी 584 40,400, हम 40,400 के नीचे नहीं जा सकते, हमें सिर्फ स्ट्रेडल तक जाना है। अब अभी हो सकता था कि यहाँ पे प्रीमियम में 300 रुपए की होती तो यहाँ पे हमें नहीं मिली प्रीमियम, हम सिर्फ बेच इसी को सकते हैं, तो जो 300 का हम उसी को बेचेंगे, तो हम 40,400 तक के ही कॉल पे जा सकते हैं चाहे प्रीमियम मिलती या ना मिलती। ये हमने सेल किया, अब हम ग्राफ में जाके देखेंगे, ये परफेक्ट स्ट्रेडल बन गया है, ये देखो सेंटर में रीसेट जूम किया हमने, ये देखो ठीक है। अब मैं अभी तक का दिखा दूं कि आपको 21,000 का लॉस हुआ है और मार्केट में क्या हो गया, ये रहा देखो, मार्केट थी 40,900 पे, अभी इस वक्त मार्केट चल रही है 39,500 पे, मतलब हम 1500 पॉइंट तो ऑलरेडी नीचे हैं, राइट, और हमारे सिर्फ 21,000 लॉस हुआ है जो कि मार्जिन का 0.5% भी नहीं हुआ अच्छे से। तो ये चीज है, आप फॉलो करोगे तो आपको उसमें लॉस नहीं होगा। अब सिंपल है, हमें क्या करना है, हमें आयरन फ्लाई बनानी है। हम यहाँ पे देखेंगे ब्रेक इवन क्या है, 41,500 और इधर 39,300। स्ट्रैडल बनाते ही आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हो कि आयरन फ्लाई पहले ही बना दो सो दैट आपका लॉस प्रोटेक्टेड रहे। मैं देखो अभी आपको दिखाता हूँ इसमें, चलो नॉर्मल जैसे पहले किया था, एक एक दिन आगे करके जाते हैं, सीधा 3 लाख का लॉस, सीधा गेम ओवर। ये इस वजह से अब 3 लाख का लॉस है, चलो और आगे देखते हैं, वापस आया 1 लाख का लॉस। इतना बड़ा फ्लक्चुएशन बंदा देख ही नहीं पाएगा, राइट। एमटीएम स्विंग में आपके मस्त चल रहे हैं, चलो मान लो 20,000 का प्रॉफिट, वो सीधे आपको 60,000 का लॉस दिखाए, ये ट्रेडिंग करके फायदा नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप इसको लॉन्ग टर्म में बड़े पैसे से कैसे करोगे, अगर यही काम आप अभी 10 करोड़ से कर रहे होते आपको दिखते 60 लाख का लॉस, फिर चाहे वो 4 लाख का प्रॉफिट दिखाए, लेकिन वो जो 60 लाख का लॉस है उससे आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत प्रॉब्लम आती है, आप उसको लॉन्ग टर्म में चला ही नहीं पाओगे कभी, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। अब देखना क्या होगा, मैं इसको आगे भी लूंगा ना, ये प्रॉफिट में कन्वर्ट, क्योंकि अब देखो अगला 3-1, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, फिर हम बोलेंगे अरे यार स्ट्रगल में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अभी देखो आपने देखा 3 लाख का लॉस, मैं इसको हेज करता हूँ और फिर आप देखना क्या होता है। नहीं, से एंड तक ले जाओ तो ठीक है, एंड तक पहले, हाँ ये भी देखना, इसका एंड तक ले जाओ 2.46। प्रॉब्लम बस इतनी है, 3.11 का मतलब हो गया लगभग आपके 7% का लॉस हो गया, महीने में 7% का लॉस देना नहीं, आपके साल महीना ही बर्बाद हो जाए, पूरे साल ही बर्बाद हो जाएगा पूरा। इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ये देखो लॉस 3.11 मतलब 7% से आप वापस के 5% प्लस में, ये कई बार होता है, और ये कई बार होता है, कई बार होता है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये आप लोग बड़े बड़े लॉस देखते हो और फिर वहां पे पोजीशंस काट देते हैं लोग, एंड वापस आ जाती है, एंड वापस आ जाती है, और मैं चाहता हूँ पोजीशन में रहो तभी तो ये देखोगे। अगर आपने 3.11-7% का लॉस देख लिया, पोजीशन पक्का कटनी है, चाहे कोई कितना भी आपको ज्ञान दे ले, लेकिन अगर यही आयरन फ्लाई होती ना, वो 3.11 तो आपको दिखता ही नहीं, 3.11 आएगा नहीं, आप यहाँ से डरोगे नहीं, ट्रेड कटेगी नहीं, तो ट्रेड में रहो तभी तो जीतोगे जी। लास्ट तक ले लेते हैं फिर देखते हैं, आपको मिल रहे हैं 9%, वापस से गया 24 तारीख 27, वापस से देखो 3 लाख से वापस 50,000, ये MTM swing is not favorable, obviously I understand, वापस आया 1.34, ये आपका 4 लाख 4 मतलब 12% पे क्लोज हुआ है।
अगर मिड पे क्लोज आता तो आपके पास लगभग 30% का प्रॉफिट, साल भर का प्रॉफिट इंक्रीज, वो हर बार नहीं होता, वो हर बार क्या, वो एक्सपेक्टेशन भी रखना चाहिए, 20 में से एक बार मिलेगा, वो भी आप रखो मत तब मिलेगा, आप सोच रहे हो ना बीच में क्लोज होगा, वो कभी नहीं होगा। हाँ, वो बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पे आपने सोचा वहीं पे क्लोज हो जाए, सब बड़ा मुश्किल है। अब हम देखते हैं सेफर पॉइंट, राइट राइट, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे इसे फ्लाई बना, जहाँ से इसे फ्लाई बनाया था, फ्लाई इसलिए बोलते हैं उड़ने लग जाती है, इसके दोनों पर साइड विंग्स लग जाते हैं, हाँ विंग्स लग गए, दैट इज फ्लाई, मतलब आपने हेज ले लिया तो आपका लॉस नहीं होगा, उड़ेगी ये, डूबेगी नहीं। तो अब हम यहाँ पे इसको फ्लाई बनाते हैं, फ्लाई बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बिल्कुल सिंपल मेथड है, ब्रेक इवन देखो और वही बाई कर दो, राइट, 41,500 राउंड फिगर एंड 39,300 ऑप्शन चेन पे गए, 39,300 बाई सेम लॉट्स और 41,500 बाई सेम लॉट्स, आपका मार्जिन आधा हो गया इसे लेते ही, करेक्ट, आपको अपने डीमैट अकाउंट में फ्री मनी दिखेगा, फ्री मनी दिखेगा, आप नई ट्रेड डाल दो। अब आप यहाँ पे देखो, उसने 3:11 का आपको लॉस उसी टाइम दिखा दिया था, इसका 3:11 का लॉस पता है कब है, 27 तारीख को है, जब वो इसके बाहर यहाँ पे वो हो जाए, क्या बोलते हैं, एक्सपायर हो जाए, तब। अब इसमें देखते हैं कि उस दिन लॉस कितना दिखा रहा है, इसका प्रॉफिट है 655 अभी मैक्स, ये देखो आप, उसने लॉस दिखाया था 2,49,000 रुपए, इसने लॉस दिखाया 47, ये वो ऊपर कर दो इसे, वहां पे भी दिखेगा, लोग एक ही तरफ लोग ना एक्चुअली अटेंशन रखते हैं, हां 47, अब आप देखो 47 का लॉस, हमने उसमें देखा था 249 का लॉस, लगभग 6% का यहाँ पे कमी है, यहाँ पे आपने 1% खोया है, वहाँ पे 6% खोया था, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, सबसे मेन गेम इसी का है। आपका यहाँ पे, अब आप यहाँ पे नहीं डरोगे आप, क्योंकि आप इसको होल्ड कर सकते हो, वहाँ पे आप डर जाते हैं। अब आप इसमें नेक्स्ट में देखोगे वनडे में वापस आ गया, ठीक है, इसको आप होल्ड कर सकते हो, मेरा पर्पज ये है कि आप ट्रेड डालो, उसमें रह तो सको, अगर वो 3,00,000, 4,00,000, 10,00,000 माइनस दिखाएगा, आप उसमें ट्रेड में रुक ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट, वापस से 35,000 इस जगह पे उसने दिखाया था 3,11,000, हम यहाँ से आगे से हमने लाख गायब कर दिया, एक जीरो गायब है लॉस में, बहुत बड़ी बात है। आप ये चीज लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि बड़ा प्रॉफिट दिखा आखिरी में, प्रॉफिट तो इसमें भी दिखेगा, हो सकता है 4.5 ना हो, पर हम देखते हैं अभी कितना होता है। ट्रेड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, 21,000 ये देखो 72,000, 2% आ गया, आपने लॉस भी नहीं, इतने का तो लॉस दिखा ही नहीं आपको, उसमें तो 3,00,000 चले गए थे ऑलरेडी, आपके 1,9,3% बन रहे हैं, वापस से 55,000 यहाँ पे लॉस दिखाया था उसने, वापस से मार्केट नीचे गई 58,000, बड़ा लॉस नहीं देखना है बस हमें, मार्केट 67,000 ये पहुँच गई अपनी 1,29,000, लगभग 3-3.5% मिल गए, मार्केट ने 5% दे दिया ऑलमोस्ट, और ये लो 15 और 5, 20, बिल्कुल एंड कर दिया एक्सपायरी, 2,20,000 आपने वहाँ कमाए थे 4,00,000, बस उसी लालच में लोग क्या करते हैं, वो 3,00,000 को रिस्क में डाल देते हैं, ये भी तो 5% है, महीने का 5% आया ना, क्या दिक्कत है, लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल में रखो, ये 5% के लिए ना लोग एल्गो बना रहे हैं, लोग बहुत सारी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि ये 5 आ जाए, लोग 2 पे भी खुश हैं, 5 के लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं, और आपको मिल रहा है आराम से, आपको रिस्क करना है 3,00,000 का, आप अगर 3,00,000 का रिस्क कर देते ये कभी मिलता ही नहीं आपको, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको मार्च में 5% मिल गए, उसके अगले वाले में अप्रैल में मैंने क्या दिखाया, 9% भी मिले, आपको बुकिंग करनी है उसकी, 9 और 5, 14%, ये सच्ची बता रहा हूँ, मेरे 4 महीने का वो है, राइट, हाँ मैं 4 महीने में इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, तो बस ये हमने दिखा दिया बहुत डिटेल में। अब बस मेरा ये मानना है कि आप लोग मार्च के पहले के 12 महीनों का बैक टेस्ट करो, बिल्कुल डिटेल में जाना, आप तो 30-30 में जाओ, यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं, अगर हम 30-30 में जाएंगे तो वो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, आप 30-30 मिनट में देखो, जब भी 40% से ज़्यादा का गैप आए प्रीमियम के बीच में उसको चेंज करो, आर एन फ्लाई बनाओ अगर स्ट्रैडल बन जाए, एंड बस 12 साल का जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उसको कमेंट बॉक्स में डालो, देखते हैं क्या होता है। एंड ऑप्स्टर जो हम इसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो यूज़। फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत डिटेल में बनाया है, बहुत टाइम लेके बनाया है, सिर्फ इसलिए कि कुछ भी चीज़ छूट ना जाए, कुछ भी चीज़ रह ना जाए। अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके, और इसे शेयर कीजिएगा, एंड शेयर जब भी करो तो लिखिएगा सामने वाले अपने फ्रेंड को कि ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है। करेक्ट, तो उसे समझ आएगा कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। फाइनली अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, आप एंजल मन पर जाकर फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी एंजल मन पर पैसे कमा सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।